श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण मैया का क्या बताऊं, मैं आपकी कथा 2.5 साल से सुन रही हूं कथा। हाँ मैं यहाँ रह के भी गई थी 6 दिन जी, मेरे बच्चे नहीं सुन रहे अब आज तक। क्या बिगड़े हैं बच्चे? शराब पीते, जब भी मैंने आपको बताया तो अब भी आप। कहाँ हैं बच्चे, लाए हो? बच्चे आते हैं आपके पास, नहीं आते सामने, आते हैं सामने नहीं आते। चलो फिर उनको नहीं आने दो। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे घर में कड़े से रहता, बहुत दुखी हूँ मैं, हमेशा लड़ाई करती है, लड़ाई। शादी हो गई बच्चों की? नहीं, उम्र निकल गई बच्चों की, 40-40 साल के हो गए, बच्चों की शादी भी नहीं हुई। कलेश रहता है, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, आज तक उन्होंने मैंने पोथी। चलो कभी ले आना, हम समझाएंगे। मैं पोथी पाठ भी कराई थी आपसे जी, सब बैठो। पोथी पाठ भी कराई थी, हमारी कुलदेवी है काली, तो काली की पूजा करनी है, चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कर सकते हैं। नहीं बलि चढ़ती है माँ? नहीं बलि बलि नहीं चढ़ाना। एक ही आ गया। बात कराओ, क्या नाम है आपका? पिंटू। पिंटू यार भैया तुम नशा करते हो? कौन सा कर, चुप रहो। क्या नशा करते हो? दारू पीता हूँ। दारू पीते हो? कितनी पी जाते हो? यही 10-12 पौवे। 10-12 पौवा रोज? 10-12 पौवा कितना होता है भाई? 60 का मिलता है। 60 का? 60 का तो 60 रुपए का पौवा, 12 पौवा 10-12 लग हो जाते हैं। 10-12 हो जाते हैं? तो काहे इतनी शराब पीते हो? आपकी कथा सुन के छोड़ भी देता हूँ। तो छोड़ दो ना फिर। अच्छा ये बताओ, शराब पीना अच्छा है? नहीं। अच्छा एक काम करो, शराब पीने के एक फायदा बताओ, फिर हम भी पिया करेंगे। नहीं, कोई फायदा नहीं। शराब पीने के एक फायदा बताओ, ओनली एक। महाराज जब घर जाऊंगा ना, अब पीऊंगा ही नहीं। क्यों? अब नहीं पीऊंगा, अब नहीं पीऊंगा। क्यों नहीं पियोगे? मैंने बोले था मैया से, अपनी से, मैंने अगर बात होगी ना मेरी, मैं छोड़ दूंगा। अच्छा देखो, शराब पीने से नुकसान है कि फायदा? नुकसान। तो देखो आप इतने समझदार हो, तो फिर क्यों? शराब पीने से आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, शरीर खराब हो जाएगा, किडनी लीवर सब काम करना बंद कर देगा। भगवान ने शरीर हमें अनमोल दिया है बेटा, बार बार ये शरीर नहीं मिलेगा। इस शरीर से कुछ अच्छा कर जाओ, समाज की सेवा कर जाओ, माँ बाप की सेवा कर लो, अपना नाम कमा लो, इज्जत कमाओ, कुछ अच्छा करो। महाराज जी सब चीज तय, दारू के चक्कर में हो गए बेकार। शादी हो गई आपकी? नहीं। क्यों नहीं करी शादी? अब नहीं करूँगा। अब शादी नहीं करोगे? नहीं। क्यों? आपने बोला 30 साल के बाद। तो कितने साल के हो आप? अब हो जाऊंगा 39। 39 के हो जाओगे? तब शादी क्यों नहीं करोगे? मन नहीं है शादी करने का? नहीं बिल्कुल नहीं। कोई पसंद हो तो बताओ। आप पसंद हो। तो फिर मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, शराब मत पीना। नहीं पीऊंगा महाराज जी। पक्का बात मानोगे? पक्का, मैं हर महीने आऊंगा और आपसे मिलके जाऊंगा। अच्छा फिर बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। राधे राधे गुरु जी। और अब नहीं, बिल्कुल गलती। एक इससे बड़ा भी है लड़का, तो बड़े वाले को भी लाओ। महाराज बहुत कलेश होता, मैं आपके आगे हाथ जोड़ दी, बहुत कलेश होता। ले आना, हम समझाएंगे। हाँ ये भैया छोड़ दिए, अब आप लेके आना बड़े भैया को। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी हमारे माता पिता नहीं है, हमारी दादी हमें रखती है, आप हमारी दादी को आशीर्वाद दे दो। बिल्कुल, आपकी दादी सुखी रहे। कहाँ हैं? वहाँ बैठी हैं। चलो खुश रहो। राधे राधे। राधे राधे। मैया ठीक हो? कोई प्रश्न है? हाँ मैया बोलो। राधे राधे गुरुजी। बैठो अभी बात करेंगे आपसे जी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा आपसे प्रश्न है कि कई बार ऐसा हुआ है कि हम कहीं भी मंदिर गए हैं तो वहाँ पे हमको पैसे पड़े मिले, जैसे आज ही हम निधि बन गए सुबह सुबह तो रंग महल के पास मुझको 200 रुपए मिले, तो आज तो मैंने वहीं के दान पात्र में ही डाल दिए, लेकिन कभी कभी जैसे धार्मिक स्थान पे मिल जाते हैं तो उन पैसों का क्या करना चाहिए? उठाओ ही मत। नहीं उठाना चाहिए? क्यों उठाओ, उठा लिया ये भी तो अपराध है। नहीं सर उठाते नहीं, लेकिन पैर पड़ गया मेरा तो फिर मैंने उसको उठा के दान पात्र में डाल दिया। पैर पड़ गया, दूर से प्रणाम कर लो जी, पांव हटा के जी, अभी तक पता नहीं था तो।
कहीं भी पैसा पड़ा हो, सोना पड़ा हो, चांदी पड़ी हो जी, आप वहाँ खड़े हो के सबको आवा भैया ये पैसे पड़े किसके हैं जी बताओ और निकलो जी, क्यों चक्कर में पड़ो जी। पराई लक्ष्मी को स्पर्श करना पाप है, ऐसे छूना एक ही उंगली से, इससे भी स्पर्श करना अपराध है जी। अपनी मेहनत का छोड़ो मत और दूसरे का करोड़ पड़ा हो तो देखो भी मत जी। राधे राधे गुरुजी, गुरुजी मेरा बेटा है। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। ये आपकी कथा सुनता है और बहुत सारे भजन इसने याद कर रखे हैं थोड़े थोड़े से। राधे राधे बोल दो। राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए।